आज हम पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के ऊपर निबंध पढ़ते हैं, ठीक है। प्रदूषण जो कि जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है, 10 हो या 9 सबके लिए यूजफुल होगा। देखिए, पॉल्यूशन आर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, प्रदूषण या भारत में प्रदूषण की समस्या। तो प्रॉब्लम आप पॉल्यूशन करके नाम से आ सकता है प्रदूषण की समस्या, या पॉल्यूशन इज ए थ्रीट टू मैनकाइंड, मानव जात के लिए थ्रीट माने खतरा या धमकी। क्लियर, मानव जात के लिए प्रदूषण क्या है, खतरा। थ्रेट का मतलब यहाँ खतरा होगा। तो प्रदूषण बढ़ जाएगा तो कितना समस्या हो जाती है, जाने लगे कोरोना जैसी महामारी भी, ठीक है, कंट्रोल हो गया प्रदूषण कम होने पर तो तमाम समस्याएं हो जाती है। दिल्ली वगैरह में देखते हैं जो जलाया जाता है, ठीक है, पुआल वगैरह, इस पर प्रदूषण बढ़ता है। दिवाली को पटाखे लगाने से प्रदूषण, नदियों में जो शव वगैरह मृत लाश से जलाने से कितना प्रदूषण होता है, तमाम सारी बातें हैं प्रदूषण के लिए। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक ना, तमाम प्रदूषण हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। इंट्रोडक्शन, कौन सा प्रदूषण पहली बात। हाँ, मृदक मतलब मिट्टी में प्रदूषण बिल्कुल होता है। इंट्रोडक्शन देखिए, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो गई है। प्रदूषण की समस्या आज बहुत क्या हो गई है, गंभीर हो गई है। क्लियर। उसके बाद देखिए, मैन हैज इंटरफियर्ड, मनुष्य ने, इसने इंटरफियर्ड माने हस्तक्षेप करना, टू मच विथ नेचर, प्रकृति के साथ बहुत अधिक। अब बता दो कि मनुष्य ने जो है प्रकृति के साथ बहुत अधिक क्या किया है, इंटरफियर्ड माने हस्तक्षेप कर दिया है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन्वायरमेंट माने पर्यावरण, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है वायु, एयर मीन्स वायु, वाटर माने जल, सॉयल माने मिट्टी या मृदा, ईटीसी इत्यादि, हैज बीन पॉल्यूटेड, हुआ प्रदूषित हो गया। क्लियर। तो अब बस इतना ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना, बहुत ज़्यादा याद करने का प्रयास मत करो, ठीक ना। फिर से बता देना इतना इंट्रोडक्शन, बता देना, हिंदी जान लो, बता देना कि प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो चुकी है। मनुष्य जो है, बता देना कि प्रकृति के साथ बहुत अधिक हस्तक्षेप किया है, परिणाम स्वरूप वह वातावरण, इन्वायरमेंट, वातावरण विच इंक्लूड, जिसमें जो है वायु, मिट्टी, मृदा इत्यादि शामिल है, वह प्रदूषित हो गया है। क्लियर, यह आपको इंट्रोडक्शन हो गया, प्रस्तावना बता दिए थोड़े में, पर्यावरण के बारे में बता दिए, ठीक ना, प्रदूषण के बारे में। अब बता देना कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। तो बता देना कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, सच एज माने जैसे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन माने वायु प्रदूषण, वाटर माने जल प्रदूषण, नॉइज माने ध्वनि प्रदूषण। ये आपको आपके साइंस वगैरह में भी, विज्ञान वगैरह में भी आ जाते हैं, सामाजिक विज्ञान में भी आप आ जाते हैं, तो प्रदूषण आप इसको बना के लिख सकते हो हिंदी में भी, ठीक ना। तो अब इसकी हिंदी निकाल रहोगे तो आप बना के लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड, वायु प्रदूषण ज़्यादातर होता है कॉज्ड मीन्स कारण से होता है, बाय द स्मोकिंग, धुआं से, कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, जो चिमनी से बाहर आ रहा होता है, ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्रियों के, मिल्स माने मिलों के, वर्कशॉप माने कार्यशालाओं के, ठीक है, तो फैक्ट्री मतलब कारखाना होता है। तो वायु प्रदूषण ज़्यादातर फैक्ट्रियों, मिलों और कारखानों, कार्यशालाओं इत्यादि की चिमनियों से बाहर आने वाले धुएं के कारण होता है। देखिए फिर बता रहे हैं, एयर पोल्यूशन माने वायु प्रदूषण इज मोस्टली कॉज्ड, ज़्यादातर, मोस्टली माने ज़्यादातर, कॉज्ड कारण से होता है, स्मोक माने धुएं से, ज़्यादातर उन धुओं के कारण से होता है, कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्रियों की चिमनियों से बाहर आता है, या मिलों की चिमनियों से बाहर आता है, या कार्यशालाओं इत्यादि की चिमनियों से बाहर आता है। फिर उसके बाद मिल्स माने मीलें प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न करती हैं केमिकल्स, माने केमिकल्स माने जानते हैं केमिकल रासायनिक चीज़ें होती हैं जो, एसिड्स माने अम्ल, केमिकल और अम्ल, आउट, ठीक है, गिव आउट सच अ फाउल, जो ऐसी फाउल माने दुर्गंध, फाउल स्मेल माने बुरी दुर्गंध, फाउल माने खराब, स्मेल माने गंध, तो जो ऐसी खराब दुर्गंध देती हैं, ठीक है, दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ, कि इसमें सांस लेना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक।
तो हो जाएगा मिल, फिर बता रहे हैं मिल्स प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एसिड। मिले ऐसे केमिकल और एसिड, मतलब अम्ल जो है प्रोड्यूसिंग मैंने उत्पन्न करते हैं, गिव आउट सच ए फाउल स्मेल, जो ऐसी गंद बुरी दुर्गंध देती है, दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ, कि इसमें सांस लेना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। एयर पोल्यूशन में काज, वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है लंग डिजीज माने फेफड़े की बीमारी, अस्थमा हो सकता है, आई फ्लू, आई फ्लू मतलब आँख में सूजन की बीमारी होती है जो आँख लाल वगैरह हो जाती है, आई फ्लू जैसे जलन होने लगती है आँख में, आई फ्लू उसको कहते हैं, आँख की एक प्रकार की बीमारी है जिसमें सूजन वगैरह हो जाती है, आँख जलन होने लगती है, ठीक ना। हाँ, कोई भी बीमारी आँख से रिलेटेड हो सकती है। हेडएक्स माने सिर दर्द इत्यादि हो सकता है। वायु प्रदूषण में कभी कभी आप यात्रा करते हो तो इधर उधर की हवा लगती है तो सर दर्द करने लगता है ना, तो वह वहाँ की वायु जो है सही नहीं रहती, इसलिए, ठीक ना। अब देखिए वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है, बट ग्रीड ऑफ मैन, लेकिन मनुष्य की लालच, टू गेट मोर एंड मोर मनी, अधिक से अधिक धन पाने की, पोल्यूट्स इट, इसे प्रदूषित कर देती है, क्लियर। तो ये वाटर पोल्यूशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। टू द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियों के मालिक, डंप माने फेंकना वेस्ट मटेरियल, खराब सामग्री को, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह पर। तो मतलब इंडस्ट्री माने उद्योग धंधे होते हैं, तो उद्योग धंधों के ओनर्स मतलब मालिक, डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह पर खराब सामग्री फेंक देते हैं, आर इन द रिवर्स अथवा नदियों में फेंक देते हैं। सो वाटर इज पोल्यूटेड, इसलिए पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक ना। पीपुल यूज दिस पोल्यूटेड वाटर, लोग इस प्रदूषित पानी को पी लेते हैं, एंड इन्वाइट ए नंबर ऑफ डिजीजेज, और बहुत सी बीमारियों को इन्वाइट माने आमंत्रित कर लेते हैं, न्योता दे देते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा मत याद करो जल प्रदूषण के बारे में। नॉइज पोल्यूशन देख लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण। तो नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, ध्वनि प्रदूषण जीवन के लिए खतरनाक होता है। इट इज सेड दैट, माने ऐसा कहा जाता है कि नॉइज मोर देन 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि, ये डेसिबल क्या होती है, ध्वनि मापने की इकाई होती है, ठीक है ना। 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि काजेज माने कारण बन जाती है, डीफनेस माने बहरापन, एंड अदर डिजीज और अन्य बीमारियाँ। 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि जो है बहरापन और अन्य बीमारियों का कारण बन जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्वनि में नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। और कान में लीड लगा के अगर सुनते हैं आप तो उसको कम से कम उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दो, बहुत धीमा करके सुनो, क्योंकि मोबाइल में भी तेज उसमें भी आवाज़ बढ़ा दे तो बहरापन भी हो सकता है। इन लार्ज सिटीज, बड़े शहरों में, ठीक है, द रोर ऑफ व्हीकल्स इज अनबियरेबल, वाहनों की गर्जना भी अनबियरेबल माने असहनीय होती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वहाँ से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बस ध्वनि प्रदूषण के बारे में इतना ही बहुत आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए, हाउ टू चेक पोल्यूशन, प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसको बताइए। चेक माने रोकना, जैसे चेकिंग लगती है ना, जांच लगती है, गाड़ी को रोकते हैं, चेकिंग करते हैं, ठीक ना। चेक माने जांचना भी होता है, रोकना भी होता है, ठीक ना। जब जांच किया जाएगा तभी रोका जाएगा। टू चेक दिस पोल्यूशन, इस प्रदूषण को रोकने के लिए, देयर शुड बी प्लांट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्लांट मतलब होता है नियोजित, इंडस्ट्रियलाइजेशन माने औद्योगिकरण, किताब में नीचे दिया है, मतलब नियोजित औद्योगिकरण होना चाहिए। द डेब्रिस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री माने उद्योग धंधा, डेब्रिस माने होते कचरा, उद्योग धंधे के कचरे को, किताब में दिया है डेब्रिस माने कचरा, शुड नॉट बी डंप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, धरती की सतह पर नहीं फेंकना चाहिए, डंप मतलब फेंकना, आर इन वाटर अथवा जल में नहीं फेंकना चाहिए। इफ इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ सुटेबल केमिकल्स, इसे उपयुक्त केमिकल द्वारा क्या किया जाना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन माने होता है वनों की कटाई, वनों की कटाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं ना, क्लियर। पीपुल शुड नॉट डंप वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स, लोगों को घरेलू कचरे सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। बस उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं, इतना पर्याप्त है। कीपिंग इन द माइंड माने ध्यान में रखते हुए, द सीरियसनेस माने गंभीरता ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की, तो समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने, हाईएस्ट सेटअप ने स्थापित किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट माने पर्यावरण विभाग, इन्वायरमेंट पर्यावरण डिपार्टमेंट विभाग, टू कंट्रोल पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए,
तो जाएगा समस्या की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किया है, ठीक है, जिससे प्रदूषण को रोका जाए। द पीपुल ऑफ द कंट्री, देश के लोगों को शुड आल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से इंग्लिश में आप जानेंगे इसके मेन मेन पॉइंट। अब एक बार हम फिर से हिंदी में बता दे रहे हैं ताकि आपको सोचने में दिक्कत ना हो, आप उतना ही लिखो तब भी चल जाएगा। कोऑपरेट माने सहयोग करना। तो चलिए इंट्रोडक्शन से लेकर फिर से सब कुछ हम हिंदी में केवल बता दे रहे हैं मेन मेन पॉइंट कितना लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन में आपको केवल इतना लिखना है कि ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, पोल्यूटेड तक लिखना है। तो इतना तक की हिंदी फिर से बता दे रहे हैं कि बता देना कि प्रदूषण की समस्या आज बहुत गंभीर हो गई है। मनुष्य जो है बता देना कि प्रकृति के साथ बहुत अधिक हस्तक्षेप किया है, परिणाम स्वरूप वातावरण जिसमें हवा, पानी और मिट्टी इत्यादि शामिल है वह प्रदूषित हो गया है। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कारण साफ पोल्यूशन में आपको ये बता देना है कि कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर और नॉइज पोल्यूशन। उसके बाद तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है। एयर पोल्यूशन के बारे में बता देना कि एयर पोल्यूशन, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, हाँ पूरा भी लिख सकते हो या फिर थोड़ा घटा भी सकते हो। मेन मेन बता दो कि वायु प्रदूषण से ज़्यादातर जो है उस धुएं के कारण होता है जो फैक्ट्रियों, मिलों और कार्यशालाओं इत्यादि की चिमनियों से बाहर आता है। और बता देना कि मिलें जो है केमिकल उत्पन्न करती हैं और एसिड अम्ल उत्पन्न करती हैं जो ऐसी बुरी गंध देते हैं कि इसमें सांस लेना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और इसके कारण जो है फेफड़ा की बीमारी होती है, आस्थमा, आँख, आई फ्लू हो जाता है, आँख में सूजन की बीमारी और जलन की बीमारी हो जाती है, इत्यादि हो जाता है, हेडेक इत्यादि हो जाता है। फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, और डिजीज तक केवल लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। बता देना कि जल जीवन का आधार है, लेकिन मनुष्य की अधिक से अधिक धन पाने की लालच इसे क्या करती है, हाँ प्रदूषित कर देती है। मतलब कि उसको कायदे केमिकल का प्रयोग करके जलाएंगे नहीं, ज़्यादा खर्च उसमें लगेगा, बस वैसे ले जाकर फेंक देते हैं, ठीक ना, इधर उधर बहा देते हैं, वही चीज़ दूसरे दूर ले जाने में उनका खर्चा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, उसको फेंकवाएंगे गाड़ी से या फिर केमिकल से, तो वो भी पैसा बचाना चाहते हैं, ठीक। बता दें कि उद्योग धंधों के मालिक जो है धरती के सतह पर खराब सामग्री को फेंक देते हैं और अथवा नदियों में फेंक देते हैं, और इसलिए वाटर क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। लोग इन प्रदूषित जल को पीते हैं और बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। फिर उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, अनबियरेबल तक ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो। इसमें बता देना कि ध्वनि प्रदूषण जो है जीवन के लिए खतरनाक होता है, या फिर बता देना ऐसा कहा जाता है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि बाहरेपन का कारण हो सकती है, ठीक है, तो और बता देना कि आदमी बीमारियों का भी कारण हो सकती है। बड़े बड़े शहरों में बता देना कि वाहनों की गर्जना जो है असहनीय ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू चेक पोल्यूशन बता देना, कैसे प्रदूषण को रोका जाए। इसमें ज़्यादा कुछ ना बता के आप सुटेबल ना डिफॉरेस्टेशन तक बता देना, जितना बताए थे उसकी हिंदी उतना ही बता दे रहे हैं हम। बता देना कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए नियोजित उद्योगीकरण होना चाहिए और उद्योगों के कचरे को जो है धरती के सतह या नदी में नहीं फेंकना चाहिए, इसे उपयुक्त केमिकल द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए और वनों की कटाई भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष में बता देना कि गंभीर समस्या को गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की है इसे रोकने के लिए, और उसके बाद बता देना कि लोगों को इसमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना लोगों के सहयोग के सरकार कुछ करने वाली नहीं। सरकार भाई व्यवस्था कर दे, गंगा स्वच्छ अभियान चला दिया है, प्रदूषण ठीक है, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चला दिया, लेकिन लोग उसमें सहयोग ही नहीं करेंगे, गंदगी फैलाए रहेंगे, तो प्रदूषण रुकने वाला नहीं होगा, इसलिए प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो इस तरह से आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।